गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं वीर सिंह और मैं हूं अपने गांव में मानपुरा, मेरी रियासत मानपुरा, जिला धौलपुर और थाना सरमथुरा में एक छोटा सा गांव है मानपुरा। मैं यहां से आपको अपने गांव के नज़दीक एक झरना है, वाटरफॉल है, जिसका नाम है दमोह, जिसे यहां की लोकल भाषा में कुंड भी बोलते हैं, वहाँ लेके जा रहा हूँ और दिखाऊँगा आपको रास्ते, किस तरह के रास्ते हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाता है। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, आप मेरे साथ इन्जॉय करिए इस छोटी सी ट्रिप का। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी यात्रा का मानपुरा से कुंड के लिए, यानी कि दमोह के लिए। तो मैं अभी अपने गांव के चौराहे पर हूं, ये मेरा गांव है और ये पूरी टीम है जो दमोह के लिए प्रस्थान कर रही है मोटरसाइकिलों पर। एक टीम ये है जो हमारे साथ चल रही है ट्रिप टू दमोह वाटरफॉल। अब वाटरफॉल देखने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन दमोह तो मिलेगा। दोस्तों अभी मैं हूँ मोटरसाइकिल पर, बच्चों के साथ हूँ और सामने मैं दिखाऊंगा अभी हम कितनी ऊंचाई पर हैं। सामने काफी टाउन है, हम लोग बहुत पहाड़ी पर हैं। देखिए एक बार ये देखें, यहाँ से हम चलेंगे इस पतली सी रास्ते पर। ये रास्ता सरमथुरा से सोने का गुर्जा, एक तहसील है जो राजस्थान की आखिरी है, वहाँ हम जा रहे हैं। तहसील नहीं है एक्चुअली, वो गांव है एक छोटा सा, हम उधर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से डाउन में जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। आप देख रही है कितना शानदार, कितना खूबसूरत रोड है, पहाड़ी इलाका है, पूरा पत्थर है। ये मेरा गाँव स्पेशली लाल और सफ़ेद कौवा पत्थर के लिए फेमस है। आगरा में लाल किला, दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट या और भी पुरानी जो इमारतें हैं वो यहाँ से ले जाए गए लाल और सफ़ेद कौवा पत्थर से बनाई गई हैं। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की खानें हैं काफ़ी, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, मैं रास्ता भूल गया और मुझे थोड़ा सा बाइक को बैक करना पड़ेगा। और अभी ये डांग क्षेत्र में आपको बेर भी दिखाऊंगा, इस समय यहाँ पर बेर लगा जाता है, काफ़ी लगा होता है। इस देखिए झाड़ी में देखिए कितना बेर है, और इस बेर को हम डांग का एप्पल ही कहते हैं, डांग का सेब। बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे और टेस्टी लगते हैं ये बेर। अब हम लोग पक्का रास्ता छोड़ दिया है और हम कच्चे रास्ते पर बढ़ गए हैं। ये रास्ता मैं सीधे दमोह यानी कि कुंड में लेके जाएगा, जो कि बहुत बड़ा झरना है, चंबल नदी पर ये बना हुआ है। मेरे गांव से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये है, क्योंकि हम लोग रास्ते से जा रहे हैं। रास्ता ये बनाया गया है गाड़ियों के लिए, जो लोग वहां तक गाड़ियों के माध्यम से जाना चाहते हैं तो यहां से जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें दूर पड़ता है। अगर हम पैदल जाएँ तो हमें 2.5 किलोमीटर समथिंग ये पड़ता है। अब हमको ये रास्ते हैं यहाँ के खूबसूरत रास्ते, दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हम और ये लोगों ने पत्थर के बना रखे हैं, जिनके ऊपर चढ़ के जंगली जानवरों से खुद की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक वन्य अभयारण्य बन गया है, जो कि रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है, किधर जाना है सीधे, टाइगर रिजर्व है उससे जुड़ गया है, तो यहाँ पर टाइगर्स भी अक्सर करके देखे जा सकते हैं। कल शाम को ही हमने हमारे खेतों के आसपास टाइगर देखा था, पर अभी तक उसने यहाँ के गांव वालों के लिए कोई हानि नहीं पहुँचाई है। अक्सर करके टाइगर यहाँ आ जाते हैं घूमते घामते अपने शिकार की तलाश में। यहाँ इतने सारे रास्ते निकले हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता हमें जाना है, कौन से रास्ते पर नहीं। लेकिन मेरे पीछे मेरा भतीजा बैठा हुआ है, नाम है शिवा। शिवा अपनी शक्ल दिखाओ फ्रंट कैमरा ऑन करके। शिवा है, ये गाइड है हमारा एक तरह से, क्योंकि ये सारे रास्ते को जानता है कहाँ कहाँ निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस रास्ते पर हम निकल रहे हैं। ये रास्ता है बहुत ही खूबसूरत, पूरा पथरीला रास्ता, सामने ओस छाई हुई है पेड़ों पर, इस तरह से छाई हुई है जिस तरह से कि धरती ने सर्दी के कारण एक चादर ओढ़ लियो, सर्दी धरती को ठंड लग रही है, उसने एक चादर ओढ़ ली है, खूबसूरत सी सफ़ेद चादर, बहुत प्यारा सीन। सामने सूरज चमक रहा है, नीचे उस पेड़ को ढके हुए है, और ये पथरीला रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, कहीं लाल पत्थर तो कहीं सफ़ेद पत्थर, और हमारे दोनों तरफ बेर की खुशबू,
बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, मनमोहक जगह। आप कभी आएंगे इस जगह तो पूरा आनंद उठाएंगे इस सीन का, इस अनुभव का, जो बहुत ही प्यारा है। हाँ देखिए दोस्तों, अभी हम नीचे डाउन में जा रहे हैं और सामने काफ़ी पानी भरा हुआ है। ये झील टाइप के छोटी छोटी झीलें हैं, यहाँ पथरीला इलाका है, नीचे तो पानी जल्दी से सूखता नहीं है और वो झीलें बनकर पानी जो है झीलों का निर्माण करता है। छोटी छोटी झीलें हैं चारों तरफ, पत्थरों की भी। इनके अंदर सिंघाड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंघाड़ा जो फल है जो खासकर इस मौसम में पाया जाता है, इन पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और सामने देख रहे हैं वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसको यहाँ की लोकल भाषा में एनीकट बोलते हैं। एनीकट पानी रहता है, लोग इस पानी का अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पानी बहुत साफ सुथरा पानी है, बारिश का पानी है पूरा। हमारी टीम के सदस्य यहाँ तक आ गए, हमें थोड़ा सा लेट हो गया आने में उतरने में। ये लोग यहाँ पहुँच गए हैं। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर हूँ, यहाँ पे पानी उधर काफ़ी पानी भरा हुआ है। साइड में मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दीवार टाइप की, उसके पीछे काफ़ी पानी है, उसमें पानी रिस रिस के यहाँ आ रहा है, छन छन के पानी, बहुत साफ पानी। मैं आपको पानी दिखाता हूँ कितना एकदम, ये देखिए। अच्छा मेरी बेटी को फिश दिखाई दे रही। ओहो इसके अंदर छोटी छोटी फिश भी है, बहुत प्यारी प्यारी जी। देखो मेरी बेटी को पानी, इतना साफ पानी है, बहुत ही। इस पानी को आप पी सकते हैं, पूरा बरसात का पानी है, बारिश का पानी, एकदम मिनरल वाटर, बहुत ही प्यारा और हेल्दी। इधर देखिए सामने पानी इन नदियों में होकर, ये जो पतली पतली से रास्ते बना रखे हैं, इन रास्तों में होकर उस कुंड में जाकर झरने का रूप ले लेते हैं। अभी क्योंकि बारिश ख़त्म हो गई है तो यहाँ इतना पानी नहीं है, अदरवाइज जब बारिश का मौसम होता है तो ये पूरी नदी फुल भर के चलती है। जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये नदी है पूरी, ये भर के चलती है, जिसके अंदर से पानी पूरी पूरी फ्लो के साथ बहता है और वो कुंड है उसमें झरने के रूप में गिरता है। ये देखिए खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है। ये देखिए बच्चा पार्टी हो गया, बेर मिल गए। यहाँ बेर अमूमन इस मौसम में बहुत पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे झाड़ियों में बेर ही बेर। इस बेर को डांग का सेब भी कहते हैं। देखिए कितना प्यारा, वाओ, रेड रेड कलर के बहुत प्यारे प्यारे बेर लगे हुए हैं। ये देखिए पूरा भरा हुआ है ये बेरों से, मुझे पूरा भरोसा है कि आपके मुंह में पानी आ रहा हुआ है ना देखकर। ये लोग थोड़ा सा बेर का आनंद ले लेते हैं, सब लोग बेर खा रहे हैं, थोड़ा सा बेर मैं भी खा लेता हूँ। काफ़ी कांटे हैं इनमें, टेस्टी बहुत होते हैं, लेकिन कांटे लगने का काफ़ी डर रहता है हाथों में। और देखिए पकड़ लिया मुझे। और इन झाड़ियों को पार करते हुए, झाड़ियाँ हैं काफ़ी, ये इन्हें पार करते हुए हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं कुंड के। और थोड़ी सर्दी है, हल्की सी धूप खिल गई है, सूरज चमक रहा है आसमान में। थक गए, एक तो इतना खतरनाक रास्ते जिनमें बाइक चला के लाए हैं, और बाइक पूरी प्रॉपर यहाँ तक हम ले आए बहुत मशक्क़त से। और मैं आ गया हूँ अपने सभी दोस्तों के साथ में कुंड के ऊपर, जहाँ से कुंड पूरी तरह दिखाई देता है। मैं आपको अभी जल्दी ही इसका पूरा सीन दिखाऊंगा और आप देख कर स्तब्ध रह जाएंगे, कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी प्यारी जगह है। देखिए कितनी सारी मोटरसाइकिल्स पर बैठ के हम सारे राइडर्स यहाँ तक पहुँचे हैं, खतरनाक रास्तों को पार करते हुए। और सामने देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से, ये सामने खूबसूरत सा है, बहुत सारे मंकीज हैं और ये खूबसूरत कुंड दमोह, इसको दमोह भी बोलते हैं। इन मंकी जो भगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर इन मंकी से हम डर जाएंगे तो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, इन्हें भगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ये है वो खूबसूरत वादियाँ, जिन वादियों के लिए मैं आपको कह रहा था, ये यहाँ से झरना गिरता है, ये यहाँ से झरना गिरता है। लेकिन अभी क्योंकि पानी नहीं बह रहा है, पानी ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ बरसाती झरना है और ये झरना यहाँ से नीचे गिरता है काफ़ी अंदर तक,
एक खूबसूरत है कुंड। तो ये देखिए रास्ते बने हुए, मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, जगह खतरनाक है, उसी हिसाब से मुझे बढ़ना पड़ेगा आगे। ये देखिए ये पथरीला इलाका, यहाँ से बहुत गहराई है इसकी। वीडियो में शायद आपको महसूस ना हो रहा हो मैं इसकी गहराई, लेकिन ये बहुत ज्यादा गहरा है। तो यहाँ मंकी हैं, इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे जंगल हैं जहाँ पे मंकीज के लिए खाना मिलता है। जामुन के पेड़ हैं, बेर हैं जिन्हें खा के लोग अपना पेट भरते हैं। और ये दूर तक ये यहाँ से गिरता है और सीधे चंबल में जाके मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुंड, दमो, झरना। अभी मैंने दोस्तों आपको ऊपर से दिखाया कुंड, अभी हम इसके अंदर जाएंगे। रास्ता मैं एक मिनट में अपनी मुँह से सेट कर लूँ। ठीक लग रहा हूँ ना, कमेंट में जरूर बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ अभी इस देसी लुक में। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। ओह थैंक यू। और अब हम इसके अंदर घुसने जा रहे हैं, रास्ता हम ढूंढते हैं कहाँ, यहीं कहीं से रास्ता है अंदर जाने का। रास्ता मिल नहीं रहा मुझे, काफ़ी टाइम हो गया इधर आए हुए, इधर से कहीं से है ये रास्ता सामने से। अच्छा हाँ, वो सामने से रास्ता है ना, ये इधर से डाउन में है ये, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे इस रास्ते पर। पथरीला रास्ता है, खतरनाक रास्ता है, झाड़ियों के बीच में होके अब हम इस कुंड के अंदर जा रहे हैं। सावधान रहिए, इसके अंदर भयानक भयानक जानवर हैं। पीछे सारी पार्टी ये अब अंदर हम जा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी गहराई है, रास्ता खतरनाक है, काफ़ी देख के चलना पड़ेगा। यहाँ हमें वीडियो से ज़्यादा रास्तों की तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये शिवा है, शिवा हेलो बोलो। हेलो, ये सौरभ है, ये पिंटू है, ये मनोज है, मैं हूँ सूरज। गाइस आप लोग मुझे जानते हैं, ये अब हम इसके अंदर ये रास्ता देखिए, ये पतला पतला रास्ता बना रखा है। अरे कीवी को पकड़ लो, काफी गहराई में है। काफी नीचे आ गए हम, देखो अब मेरी बेटी को एकदम फ्रैंक हो गई, मेरी बेटी कूद रही है। ये देखिए ये पत्थर, अब ये किस तरह से कटा है, किस तरह से बना है दमो कुछ कह नहीं सकते। बड़े बड़े पत्थर इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये कैसे यहाँ से टूट टूट के पानी की वजह से निकले हैं, किस वजह से निकले हैं, बहुत ही एक शानदार व्यू है। ये किस तरह से बना है ये कुछ कह नहीं सकते इसको। पुराने लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये ज्वालामुखी था जो फटा था यहाँ पर, उसके कारण ये गहरा गड्ढा बना है। इन पत्थरों में से जगह जगह से पानी रिसता रहता है यहाँ से, या फिर ये पानी ने ये एक गैप बनाया है। ये देखिए ये है दमोह, ये है कुंड जिसे लोग दूर दूर से यहाँ देखने आते हैं। ये ऊपर इसने एक छत का आकार ले लिया, ये हमारे सर के ऊपर एकदम छत का आकार ले लिया इसने। देखिए मैं इसके और अंदर जाता हूँ और अंदर से आपको दिखाता हूँ, इसने एक छत का आकार ले लिया इसने, ये इस तरह से। हम आगे बढ़ते हैं इस रास्ते पर हमें और आगे बढ़ना होगा। रास्ता खूबसूरत सा है और ख़तरनाक सा है, अक्सर करके सुना है मैंने कि खूबसूरती खतरनाक होती है, तो ये वही खूबसूरती है जो ख़तरनाक है। यहाँ हमें बहुत ही होशो हवास में चलना होगा, हमारी गलती हमको ये सैकड़ों मीटर गहरी खाई में हमें धकेल सकती है। मेरा बेटा पीछे आ रहा है दौड़ लगाते हुए, पूरी टीम हमारी साथ की। हम लोग काफ़ी ऊपर से अंदर आए हैं और इधर लोग यहाँ इतनी शांति है, जहाँ पर के लोग जो महात्मा लोग होते हैं, साधु लोग आते हैं आकर अपनी आराधना करते हैं, अपनी साधना करते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। मैं वो ये देखिए इस पहाड़ के नीचे ये मंदिर बनाया हुआ है जिसमें बाबा लोग आके अपनी तपस्या करते हैं। यहाँ पर आवाज़ गूंजती है तो सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी आवाज़ को वापस सुन रहे हैं। ये महादेव
और हनुमान जी महाराज, ये हनुमान जी हैं और इसके अंदर महादेव की लिंगी है जो विराजमान है यहाँ इस एकांत में, इस खूबसूरत सी जगह पर। ये देखिए ये लाल पत्थर है यहाँ पे। हाँ इधर ये बिल्कुल ये पानी की वजह से इनका ऐसा बना है, जब पानी इनमें रिसता है ना तो पानी के साथ साथ ये भी गिरते हैं धीरे धीरे करके, उसकी वजह से ये बिल्कुल डर है, बिल्कुल पूरा डर है इसके अंदर ऊपर से पत्थरों का गिरने का। ये पानी ने किस तरह से इनको कटिंग कर बनाया। मैं कभी नहीं आया, आया हूं यहां पे ऐसे घूमने, कोई ना कोई काम से आता। ये जयराम भाई हैं हमारे, छोटे भाई हैं। थोड़ा बताइए इसके बारे में और जयराम जी। क्या बताऊं सर, आप ही बता दो, आप ही तो रहने वाले। हम पे अटके कुछ ही नहीं इसके बारे में। तो अभी हम जहां बढ़ रहे हैं आगे, लोग कह रहे हैं कि ये एक ज्वालामुखी फटने के कारण ऐसा हुआ है, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा है और ये ज्वालामुखी ब्लास्ट ही कह सकते हैं, जिस हिसाब से पत्थरों की संरचना स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ज्वालामुखी का ये इतना नहीं तो इतना जो इतनी मोटी लेयर पत्थरों की इसको काट पाना इंसान के बस की बात नहीं है, प्राकृतिक ही कोई स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है। हाँ बेटा, हाँ यह ज्वालामुखी फूटी थी बहुत पहले, और जो मेन सोर्स है पानी का इन झाड़ियों के पीछे मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ मान्यता है लोगों की कि बहुत गहरा है, जहाँ पर हम जो चारपाई होती है, जो खाट होती है, उसका अगर साथ जो बार होते थे रस्सियाँ होती हैं उनको अगर जोड़ के हम उसके अंदर डुबाएं तो पूरा उसके अंदर चला जाता है, इतनी गहराई होती है। बाकी लोगों ने नापी नहीं है, नापने की कोशिश की लेकिन वो उसी गहरे पहुँच नहीं पाए। कुंड के जहाँ जो मेन सोर्स है पानी का, अब आइए मेरे साथ भाई, कैमरा मैन नीचे भी ध्यान रखियो, फिर मत जाना ठीक है, काफी खतरनाक रास्ते हैं ये रास्ते, जो जिन पर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये काफी काफी नीचे गहराई में चले गए। लगभग हम अभी अपना जो मेन ऊंचाई है वहां से लगभग 80 फुट समथिंग, 80 फुट से ज्यादा होगा, 100 फुट से ज्यादा होगा ये जिसके अंदर हम आ गए। सही नाप मुझे पता नहीं है लेकिन अंदाज में लगाता हूँ तो 100 फुट से ज्यादा गहराई पे हम आ गए। अब हम उस सोर्स के ऊपर हैं जिसमें पानी भरा हुआ, जो मेन सोर्स है आप देख सकते हैं, ये कुंड है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, इसकी गहराई का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, अभी तक हम तो लगा नहीं पाए, ना ही कोई आसपास है गांव में जो है कोई ऐसा है जो इसकी गहराई का अंदाजा लगा पाया हो, काफी गहरा है। और आप आइए मेरे साथ, मैं आपको और इसके नजदीक ले चलता हूं, आपको नजदीक पहुंचा दूं मैं आपको, इसके रास्ता खतरनाक है तो देख के चलना होगा, एक गलती आपकी आपको गहरे खाई में गिरा सकती है और आपका बेवजह भगवान का प्यारा होना आपको बना सकती है। अब हमें यहाँ से रास्ता देखना होगा, बहुत खतरनाक रास्ता है ये। अच्छा अभी मैं देख रहा हूँ कि पानी का झरना भी थोड़ा थोड़ा पानी जो गिर रहा है, दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, पानी पर गिर रहा है यहाँ पर, जिसमें इंद्रधनुष जैसा रंग बना रखा है अपना खूबसूरत सा, हल्का हल्का पानी है, बरसात के मौसम में ये पानी बहुत ज्यादा होता है, काफी एरिया से गिरता है। अरे सही कह रहे यार, कतई लेकिन गर्मियों में ज्यादा मजा आता, ये बहुत ही खतरनाक जगह है, कमजोर दिल वाले ना आए और ना ही कमजोर हाथ पैर वाले यहाँ पर आए। मैं धीरे धीरे उस जगह में जा रहा हूँ जहाँ से झरना, जहाँ पर झरना गिर रहा है, काफी गलने वाले पत्थर हैं, इन पर काई जमी हुई है क्योंकि पानी यहाँ पे हमेशा गिरता रहता है, तो काई जम गई है। हाँ देखिए ये पत्थर काले हो रहे हैं काई की वजह से, और मैं लगभग उस जगह पहुंच गया हूँ जहाँ से झरना गिर रहा है। देखिए दोस्तों ये है वो जगह, ये पानी आप दिखाई दे रहा है, झरना गिरता हुआ पत्थरों के ऊपर, और ये बहुत ऊपर से बहुत ऊंचाई से आ रहा है, ये देखिए उस जगह से आ रहा है ये बहुत ऊंचाई से, इतना खूबसूरत जगह ये है। जाओ भैया, सुनो भैया, बचाने जाओ, आवाज आ रही है। ये है वो जगह जो शान है मेरे स्तर मथुरा की,
जो शान है मेरे गांव मानपुरा की, जो शान है हम सब की, जो शान है इस डांग की, जो इस डांग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। ये है झरना जिसे दमोह बोलते हैं, कुंड बोलते हैं और ढमोह बोलते हैं यहाँ की लोकल भाषा में। ये खूबसूरत जगह, ये देखिए पानी कितना खूबसूरत दिख रहा है, लग रहा है जैसे कोई मोती बरस रहे हैं ऊपर से, इन पत्थरों के ऊपर मोती गिर रहे हैं। बहुत प्यारी जगह। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कीवी हेलो, तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस खूबसूरती वीडियो से, और अगली फिर दोबारा आपके साथ एक सामने एक नई वीडियो लेके आऊँगा, पेश करूँगा एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सुरक्षित बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, आज हम चंबल के नदी पे हैं और देखिए ये भी है। हाय करो, हाय करो दीदी, हाय करो। देखिए इसने हाय कर दिया, अब देखो सब लोग, पापा हाय करो। हेलो।